और अब बात करते हैं दो राज्यों की। एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां 3 दिन प्लास्टिक बैन लगे हो चुके हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया था कि पर्यावरण एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। इस फैसले से लोग नाराज हुए, विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार ने फैसला बदला नहीं। दूसरी तरफ देखिए दिल्ली, जहां 7 कॉलोनीज बनाने के लिए लगभग 14,000 पेड़ काटने की तैयारी चल रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इसका विरोध हो रहा है। वो तो भला हो दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसने 4 जुलाई तक पेड़ काटने पर अब रोक लगा दी है। लेकिन सवाल ये है कि कोई विकास के नाम पर, कॉलोनीज बनाने के नाम पर पेड़ को काटने की बात सोच भी कैसे सकता है। उस दिल्ली में जहां प्रदूषण की वजह से इंसान का सांस लेना तक मुश्किल होता है, गैस चैम्बर तक कहा गया था, आपको याद होगा हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, दिल्ली को गैस चैम्बर कह दिया गया था। उस दिल्ली में पेड़ काटने की तैयारी हो रही है 14,000 से ज्यादा। एक भी पेड़ काटने की कीमत आप और हम कैसे चुका पाएंगे, ये कौन जवाब देगा दिल्ली वालों को? तो हम बस यही कह सकते हैं कि कुछ नहीं तो महाराष्ट्र से ही सबक लीजिए कम से कम।